हे गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। आज की मेरी वीडियो होने वाली है ट्रेंडिंग Instagram रील्स के ऊपर, तो यार वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो बगैर देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लाइफ सही से कट रही ना? लाइफ सही से कट रही है ना? अरे भाई ये तो वो सीन हो गया, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। अरे भाई क्रेजी सीन था ये। सलमान भाई का रिएक्शन भी देखने वाला। नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो है इनके अंदर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है। ये अपने आप को खुद ही बिग बॉस समझते हैं। हाँ बिग बॉस जी सही है, मुझ में बहुत एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड तब आता है जब सामने वाला इनकंसिडरेट और बदतमीजी करता है। आपसे पूछा नहीं बिग बॉस ने, आप क्यों बोल रहे हैं? तेरे से बात करी गाड़ी निकालने गया तो जैसे ही मैं निकाल रहा था वहीं से एक साधु आता है कि पहलवान तेरा भला हो। तो मैंने की तू रुक भाई, तो मैंने की चलो एक बारी घर चलते हैं खाना खिलाता हूँ बाबा। तो मैंने उनको घर में बिठाया, हथौड़ा मेरे हाथ में था। मैंने की प्यार से एक बारी हनुमान चालीसा सुना दो। तो उनको हनुमान चालीसा आती नहीं थी। मैंने की चलो गायत्री मंत्र सुना दो। उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता था। मैंने की चलो राम जी के भाई का नाम बता दो। उन्हें वो भी नहीं पता था। अब अगर कोई मेरे धर्म का गलत मजाक उड़ाएगा वो भी अपने पैसे कमाने के लिए, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। नहीं फिर आपने उनको सिखाया? सिखाया नहीं, फिर तो हाथ में थोड़ा मारे थे भाई, थोड़ा था ना हाथ में, मतलब मारे थे भाई को बुलाने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने सही डिसीजन लिया। गाइज एक बहुत सैड न्यूज लेके आया हूँ। बहुत दुख से बताना पड़ रहा है कि प्लेग्राउंड के जितने भी मेंटोर्स हैं उनके जीतने के चांसेस मर गए। सही है। वीडियो बहुत हैवी थी। आपने आपकी इतनी स्टडी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं बीएस जर्नलिज्म। बहुत दूर तक गई, क्या किया है बीएस जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही हूँ। क्या किया इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रही हूँ। तो ये तो रोड पे खड़ी हैं आप। सेकंड में मुंह डाल दिया, खींचा तो छोड़ नहीं रहा। बच्चे गिरते हैं मिट्टी में खेलते हैं तभी तो बड़े होते हैं। तू कौन सा मिट्टी नहीं खाते थे बचपन में? हम क्या क्या खाते थे मम्मी? तू तो दीवारें चाटती। सदस्य नंबर 15 हाजिर हो। सदस्य नंबर 15 ये है गुणरत्न साहब। ये वो वकील हैं जिन्हें अपने बोल्ड कमेंट्स और डैशिंग पर्सनैलिटी के वजह से पूरा महाराष्ट्र जानता है। हम वो वकील है जो हमारी तारीफ की है सलमान ने। हम ये कहेंगे ना पेशी होगी ना गवाही होगी जी। अब तुम हमारे क्लाइंट बनोगे तो जो भी हुज्जत होगी वो खत्म होगी। यार ये ना मुझे वो लगते हैं आईसीएच में एक करेक्टर नहीं था ऐसे जो वो स्लो स्लो दरख्तों पे चढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा उनके जैसे लग रहे थे मुझे, यानी क्यों मुझे ऐसा फील हो। आप सच्ची में इतने ऐसे हम्बल हो? ये हम्बल थोड़ी होता है, ऐसा कुछ आप शायद गलत लोगों से मिलो। ये तो हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ ये हुआ है अपनी लाइफ, क्योंकि मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ जो मेरे आसपास लोग हैं सारे ऐसे हैं। हम सारे ऐसे, आप किसी को उठा के बैठ जाओ ऐसी बात करेंगे सारे। इतने अच्छे लोग होते ही हैं, आप अच्छे बुरे आपका ग्रुप बनाता है। वेदर यू आर अ नाइस पर्सन और अ बैड पर्सन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु आर यू सिटिंग एंड स्टैंडिंग एंड मूविंग अराउंड।
वही आपके दिमाग में अगर कूड़ा डाल देंगे कि आपसे बड़ा कोई है ही, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती है, फिर आप बिना च्युइंगम के भी जुगाली करते रहते। अरे ऐसा तो क्या है तुम में जो इतना ईगो और इतना एटीट्यूड रखते हो तुम? हाँ तो कोई हल्की फुल्की चीज थोड़ी है। नहीं इसको अच्छे से बताओ क्या कर जेडी चीज प्योर है नहीं, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो है, फिल्म खत्म हुई तो मैं पैसे दिते, ये अकाउंट च पैसे पाए, ये फोन आया ओए होर देगा कि इन ही ने इन पता ही नहीं मैनू किन्ने पैसे दे रहे हैं जी। मैं क्या खड़ जा अगले शेड्यूल च पा दू बाकी समझो, ये दोस्ती है यार। जाते रहते हैं बट मैं अभी तक नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा यार इस बार ये देखने जरूर जाएंगे भाई। ये ना थोड़ा मुझे कबीर सिंह है ना, कबीर सिंह का पंजाबी वर्जन है, ये मुझे ऐसी फील दे रहा है। ट्रेलर वगैरह इसका देखा तो भाई क्रेजी लग रही है, ये भाई जो प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं बहुत ही हैवी किस्म की कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप लोग भी जरूर देखना। हर बार की तरह इस बार भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होगी, मगर इस बार कुछ अलग होगा। हर बार वाइल्ड कार्ड शो के बीच में एंट्री मारता है, मगर इस बार वो शो के शुरुआत में ही एंट्री कर रहा है। तो इस वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्ट का नाम है लॉरेंस विश्नोई। इनका मुकाबला बाकी घर वालों से नहीं बल्कि इस शो के होस्ट से है, मगर ये क्या होस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़ जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में इतना फासला तय नहीं है। भाई ये किसने किया यार, बंदे को पकड़ो भाई, कर सकते सलमान भी आपको अपने खोजे जाने तक जिंदा रहना होगा, घबराना नहीं। क्यों मम्मी, गांधी जी तो देश के लिए लड़ रहे थे, फिर उनको गोली क्यों मारी? जा माचिस लेके बताती हूँ। लो मम्मी, अब इसमें से दो तिल्ली निकाल, मैं से एक वापस रख दें। रख दी मम्मी, अब इसको ऊपर से तोड़। लो मम्मी तोड़ दी, मुझे भी नहीं पता। कोई भी साल देगी कुछ इस तरह समझाएगी, एक्सप्रेशन देखो कमाल भाई। सीजन एक रिकॉर्ड भी बनाया, बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई एक बंदा लगातार दो सीजन में आया है। जी हाँ, इस बार फिर से अदनान आया है भाई। लक्ष्य भाई का रोस्टिंग लेवल भाई क्रेजी है। किसकी बात करूंगी, कौन अभिषेक है मेरी जिंदगी में आप बताओ, कौन है? यही है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लिस्ट खोलता हूँ। तुम्हारी ट्रस्ट इश्यूज हैं क्या बहुत ज्यादा? नहीं नहीं अभी सही, अभी देख के लग रहा है मतलब सही है। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई ना, है ना? सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई, बंदे की लुक भी देवदास जैसी। असल में हो जाता भाई वो, वैसे होगा तो कभी भी नहीं। हाँ। अगर असल में ये होता भाई तो इंटरनेट तबाह होने वाला था भाई। सही बात है। तो यार यही बात वीडियो की तो बहुत ही सही थी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।